फ्रेंड्स, रोज वाटर के फायदों के बारे में हम सभी ने बहुत बार सुना है और बहुत बार पढ़ भी रखा है, लेकिन क्या आपने कभी रोज वाटर का फेसियल ट्राई करके देखा है? अगर नहीं तो जरूर से आपको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि रोज वाटर जो होता है वो सभी स्किन टाइप वालों को सूट करता है। सभी स्किन टाइप वाले इसका बिना सोचे समझे आराम से यूज कर सकते हैं, क्योंकि हर एक की स्किन पे रोज वाटर सूट करता है। साथ ही अगर आप कोरियन स्किन पाना चाहते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा ग्लोइंग और बहुत ही ज्यादा निखरी बेदाग त्वचा होती है कोरियन स्किन, अगर आप भी वही कोरियन स्किन पाना चाहते हैं तो आप आराम से अपने घर पे ही 5 स्टेप में रोज वाटर का फेसियल कर सकते हैं। बहुत ही आसान रोज वाटर का फेसियल है, बस 10 मिनट के अंदर हो जाएगा। आज के वीडियो में मैं आपको जो रोज वाटर से फेसियल करने का तरीका बताने वाली हूँ फ्रेंड्स, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव और बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की है। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंसेस चांदनी फॉरएवर। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि रोज वाटर से आपकी स्किन को कौन से फायदे मिलते हैं, उसके बाद मैं आपको 5 स्टेप बताऊंगी घर पे कैसे आप रोज वाटर से फेसियल कर सकते हो। बहुत ही आसान तरीका है फेसियल का, बस 10 मिनट में ये वाला फेसियल हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले फायदे देख लेते हैं ताकि आपको भी पता चले कि रोज वाटर से फेसियल करने से आपको कौन से फायदे मिलने वाले हैं, उसके बाद देखते हैं किस तरह से फेसियल करेंगे। रोज वाटर फेसियल के फायदे। रोज वाटर में स्किन व्हाइटनिंग गुण होता है जो आपकी त्वचा की रंगत को निखारता है, मतलब कि आपकी त्वचा को गोरा बनाता है, स्किन व्हाइटनिंग में आपकी मदद करता है। साथ ही साथ ये आपकी स्किन का पीएच लेवल बैलेंस करता है। इसके अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होता है जिसकी वजह से आपकी त्वचा में आपके चेहरे पे जो भी स्वेलिंग या सूजन हुई होती है उसको ये कम करता है। और साथ ही साथ इसके अंदर मॉइस्चराइजिंग गुण भी होते हैं जिसकी वजह से ये आपकी स्किन को ड्राई बिल्कुल भी नहीं होने देता है, नेचुरली ही आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। रोज वाटर के अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती है जो आपकी स्किन पे से जितने भी रिंकल्स और फाइन लाइंस होते हैं उसको हटा देती है। साथ ही साथ ये आपकी स्किन पे जितनी रफ स्किन हुई होती है, जितनी टैनिंग हुई होती है उसको भी हटा देती है, जिसकी वजह से आपके चेहरे पे बहुत ही ज्यादा ग्लो आ जाता है। तो देखा फ्रेंड्स, एक रोज वाटर से आपको कितने सारे फायदे मिलने वाले है, इसी इतने फायदेमंद रोज वाटर से आज का हम फेसियल करने वाले हैं। तो सोचिए आपकी स्किन कितनी ज्यादा हेल्दी और ग्लोइंग हो जाएगी, बिल्कुल कोरियन टाइप की स्किन आपकी हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, फेसियल के स्टेप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप है क्लींजिंग। इसके लिए आपको ठंडा रोज वाटर लेना है, रोज वाटर के अंदर कॉटन बॉल यानी कि रुई को डीप कर लेना है, उसके अंदर आपको रुई को डुबा लेना है, उससे अपने पूरे चेहरे को अच्छे से साफ करना है ताकि आपकी स्किन बिल्कुल क्लियर हो जाए और हम आगे जो रोज वाटर का फेसियल करने वाले हैं उसका पूरे पूरा फायदा आपकी स्किन को मिले। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपकी स्किन ड्राई हो तो आप इस स्टेप में हनी यानी कि शहद को भी मिक्स कर सकते हो। रोज वाटर को शहद यानी कि हनी के अंदर मिक्स करके उसके बाद कॉटन बॉल यानी कि रुई से अपना चेहरा साफ कर सकते हो। इससे अगर आपकी स्किन ड्राई होगी तो बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज और सॉफ्ट हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, सेकंड स्टेप कर लेते हैं फेसियल का, जो है स्क्रबिंग। रोज वाटर से स्क्रबिंग करने के लिए सबसे पहले आपको 1 चम्मच सूजी ले लेनी है। 1 चम्मच सूजी के अंदर आपको रोज वाटर मिला लेना है, अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है और इससे अपने पूरे चेहरे पे, गर्दन पे अच्छे से सर्कुलर मोशन में स्क्रबिंग करनी है। 2 मिनट तक आपको इसकी स्क्रबिंग करनी है, उसके बाद ठंडे पानी से अपना चेहरा धो लेना है। सो फ्रेंड्स, रोज वाटर का तीसरा स्टेप करने के लिए आपको 1 चम्मच कच्चा दूध यानी कि रो मिल्क ले लेना है। 1 चम्मच कच्चे दूध के अंदर 1 चम्मच रोज वाटर आपको अच्छे से मिला लेना है। अच्छे से मिलाकर इससे अपने पूरे चेहरे पे मसाज करनी है सर्कुलर मोशन में। कम से कम 3 मिनट तक अच्छे से इसकी मसाज कीजिए, अपवर्ड डायरेक्शन में, नीचे के डायरेक्शन में नहीं करनी है, ऊपर के डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, सर्कुलर मोशन में अच्छे से आपको अपने पूरे चेहरे की इससे मसाज करनी है। आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा, साथ ही साथ ये आपके चेहरे का रंग निखारेगा। रोज वाटर का जो 4th स्टेप है फ्रेंड्स,
वो है स्क्रबिंग और मसाज के बाद वाला जरूरी स्टेप जो कि है फेस पैक। तो ये वाला रोज वाटर फेस पैक बनाने के लिए फ्रेंड्स आपको एक छोटी चम्मच चंदन पाउडर लेना है और इसके साथ आपको एक छोटी चम्मच मुल्तानी मिट्टी की लेनी है। उसके बाद इतनी छोटी सी पिंच जितनी आपको हल्दी इसके अंदर डालनी है और इन तीनों चीजों को रोज वाटर के साथ मिला लेना है, अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। आपका ये रोज वाटर फेस पैक रेडी हो जाएगा। इसे अपने पूरे चेहरे पे और गर्दन पे लगा लीजिए, सूखने तक रहने दीजिए और फिर ठंडे पानी से अपना चेहरा धो लीजिए। सो फ्रेंड्स, रोज वाटर फेसियल के पांचवें स्टेप के लिए आपको आप जो भी मॉइस्चराइजर यूज करते हो डेली वेयर में, मतलब कि आपके घर में जो भी मॉइस्चराइजर अवेलेबल हो उसके अंदर बस आपको चार से पांच बूंदे रोज वाटर की मिला लेनी है। मॉइस्चराइजर के साथ रोज वाटर मिलाकर अपने चेहरे पे लगा लीजिए और आपका रोज वाटर फेसियल डन हो चुका है। 15 दिन में एक बार ये रोज वाटर फेसियल आपको करना चाहिए अच्छे रिजल्ट्स के लिए। ये आपकी त्वचा को गोरा तो बनाएगा ही, साथ ही साथ कोरियन स्किन की तरह आपके स्किन पे ग्लो भी लेकर आएगा। तो जरूर से ये रोज वाटर फेसियल ट्राई कीजिए कोरियन स्किन पाने के लिए। और अगर आज का रोज वाटर फेसियल आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना फ्रेंड्स, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना ताकि आगे भी ऐसी ही नेचुरल स्किन केयर रेमेडीज, जो इंग्रेडिएंट्स आपके घर में ही अवेलेबल हो, जो रेमेडीज बिल्कुल नेचुरल होती है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन करने से आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाएगी और आप वो देख पाओगे, क्योंकि बहुत ही यूजफुल वीडियोस होती है आपके लिए। तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, सी यू सून।